दोस्तों बजट फोन अगर आपको लेना है तो मार्केट बहुत ही सही टाइम अभी है 9000 के अंदर। यस 899 यस दोस्तों 9000 के अंदर मोटोरोला ने अपना जबरदस्त फ्लैगशिप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो फीचर आपको मिले ट्रिपल कैमरे का सेटअप, 5000 mAh की बैटरी, तगड़ा प्रोसेसर, ये सारी चीजें आपको सिर्फ 8999 मिल जा रही। उसके साथ साथ इसके अंदर दोस्तों रियलमी का नाजो सीरीज भी दोस्तों आया 10A, उसकी भी कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि 9000 के बजट में दोनों में से किस में ना है दम। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फाइंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ-साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोटोरोला एक अमेरिकन कंपनी, चाइनीज कंपनी से ऊपर आपको एक अमेरिकन कंपनी को फिलहाल अभी सिचुएशन में रखना चाहिए। तो मोटोरोला ने दोस्तों भी चाइनीज कंपनी रियलमी को, Xiaomi को, सभी को टक्कर देने के लिए यहां पे अपना मोटोरोला ने दोस्तों एक नया फोन G8 Power Lite, यहाँ पे मोटोरोला ने यहाँ पे मोटो G8 पावर लाइट लॉन्च कर दिया 8999 मिलने वाला है। स्क्रीन पे देखेंगे दोस्तों कुछ इस तरह का ही ये फोन होगा जो फ्लिपकार्ट पे 29 तारीख से इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बता दें कुछ फीचर के बारे में बात कर ले फटाफट से, क्या फीचर मिलेंगे आपको। 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले आपको मिलने वाली है, अल्ट्रा वाइड मैक्स विजन इसको बोला जा रहा है फ्रेंड्स। के साथ साथ आपको एक्सेप्ट रेशियो मिलेगा 20:9 एक्सेप्ट रेशियो मिलेगा। उसके साथ साथ 2.3 GHz का ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो प्रोसेसर आपको मिलेगा, जो तगड़ा प्रोसेसर इस रेंज में मिड रेंज के अंदर आपको मिल रहा है। 4GB की DDR3 RAM मिलेगी दोस्तों, उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस सबसे अच्छा मिलेगा, इसलिए आपको DDR3 की दी जा रही है। उसके साथ साथ दोस्तों स्टॉक ऑन रे एंड्रॉइड आपको मिलेगा, एंड्रॉइड 9 मिलने वाला है। उसके साथ साथ 5000 mAh की बैटरी, ये सबसे बड़ा पावर पॉइंट लगता है। PUBG वगैरह खेलते हैं, गेमिंग वगैरह खेलते हैं, बैटरी उतर जाती है, खास करके लोगों को सस्ते बजट फोन चाहिए तो ये फोन PUBG लवर्स के लिए एक बेस्ट फोन हो सकता है फ्रेंड्स। 5000 mAh की बैटरी 2 दिन की गारंटी के साथ आती है। अगर कैमरास की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो कैमरास में अगर बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा आपको मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा दोस्तों, 3 आपको कैमरास मिलेंगे। पहला कैमरा जो प्राइमरी कैमरा होगा 16 मेगापिक्सल का होगा, अपर्चर मिलेगा f2.0 का मिलेगा। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का दोस्तों मैक्रो लेंस है, 2.40 का अपर्चर मिलेगा। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दोस्तों आपको यहां पे मिलने वाला है, जिसकी अगर दोस्तों अपर्चर की बात करें तो वो भी वैसा ही होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस फोन के अंदर आपको एक अच्छा ऑप्शन यहां पे निकाल के देती है। अगर बात करें दोस्तों फ्रंट मेगापिक्सल की, तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा, 8 मेगापिक्सल मोर देन एनफ है इस तरह के फोन के अंदर दोस्तों, जो f2.0 अपर्चर के साथ यहां पे आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको यहां पे मिलने वाली दोस्तों। अगर पैकेज की बात करें दोस्तों, स्टोरेज की बात कर ली जाए तो 64GB इंटरनल स्टोरेज, 64GB तो मेरे में भी नहीं, मेरे के अंदर भी 32 है शायद तक, ठीक है। 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी, 256GB तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं माइक्रो SD लगाने के बाद। उसके साथ साथ दोस्तों कलर्स की बात कर ले तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कलरफुल आपको मिलने वाला है इसके अंदर आपको, नेमली रॉयल ब्लू मिलेगा, आर्कटिक ब्लू मिलेगा, ये सारे के सारे चीजें मिलेगी। और 29 तारीख को ये फ्लिपकार्ट पे आने वाला है 8999 के अंदर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों यहां पे रियलमी नाजो 10A की बात कर लेते हैं। नाजो दोस्तों एक नई सीरीज है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दोस्तों आर्किटेक्चर यहां पे बनाया है, फोन देखने में तो ब्यूटीफुल लग ही रहा है। इस फोन को दोस्तों 11 मई दोस्तों को लॉन्च कर दिया गया फोन को। इसकी अगर बात कर लीजिए दोस्तों तो मैं आपको बताऊं कि 6.52 इंच की दोस्तों टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलेगी, रेजोल्यूशन 720x1600 का मिलेगा, 1600px का मिलेगा, 29:9 का आपको रेशियो मिलने वाला है। नाजो 10 होगा, ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो प्रोसेसर होगा, G70 प्रोसेसर के साथ ही आपको मिलने वाला है। 3GB की रैम मिलेगी, रैम में थोड़ा गच्चा खा गया, वहां 4GB की रैम मिल रही है, यहां पे 3GB की रैम मिलेगी आपको। और एंड्रॉइड नाजो 10A रन करेगा दोस्तों, एंड्रॉइड 10 के साथ काम करेगा दोस्तों। 5000 mAh की बैटरी इसमें भी मिलने वाली नाजो के अंदर, लेकिन रैम थोड़ी कम मुझे यहां पे लगी। अब बात करते हैं कैमरास की, तो कैमरा में दोस्तों ट्रिपल का ही कैमरा मिलने वाला है। यहां पे मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का होगा, मोटोरोला में 16 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिला, बाकी तो दोनों ही 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा आप देख सकते हैं दोस्तों। f1.8 अपर्चर के साथ आने वाला, 2 मेगापिक्सल का जो होगा दोस्तों यहां पे दूसरा वाला कैमरा वो आपको 2.4 अपर्चर के साथ आएगा। थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का 2.4 मेगापिक्सल के साथ यहां पे आने वाला है। अगर दोस्तों बात करते हैं बाकी चीजों की बात करते हैं, तो बस 32GB दोस्तों वहां पे 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिल रही है। माइक्रो SD के थ्रू आप यहां पे बढ़ा सकते हैं, डेडिकेटेड आपको यहां पे स्लॉट
सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे ड्यूल सिम का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। स्मार्टफोन दोस्तों बता दूं कि नैनो सिम आपको दोनों यहाँ पे डालने को मिलेंगे। ये चीज थोड़ा कंफर्म वहाँ पे मोटोरोला में नहीं कि दो सिम डाल सकेंगे, हाइब्रिड होगा या एक सिम और एक आपको कार्ड डाल सकेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, बाकी साइज वगैरह तो सारी चीजें तो देखने जैसी है नहीं, ओटीजी वगैरह सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। प्राइसिंग के अंदर ये जो फोन है मोटोरोला से 500 रुपए कम है, ये 8,499 का 8,500 का है, वो आपको 9,000 का था, 500 ज्यादा, लेकिन वहां पे आपको रैम ज्यादा मिल रही है, उसके साथ साथ आपको इंटरनल स्टोरेज ज्यादा मिल रही है। पीछे का कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है, यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज को मोटोरोला है, दुनिया में सबसे पहला फोन मोटोरोला ही लाया था। अब आपको देखना है दोस्तों दोनों में से आप कौन से के साथ जाएंगे, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको मोटोरोला के साथ जाना है या आपको यहाँ पे रियलमी के साथ जाना है। दोनों ही फोन दोस्तों तगड़े हैं ऑन पेपर, जहां पे थोड़ा पलड़ा आप यहाँ पे मोटोरोला का ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मोटोरोला महंगे फोन बनाने में माना जाता है, लेकिन अब यहाँ पे रियलमी शाओमी जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए मोटोरोला ने अपनी एक नई सीरीज यहाँ पे लॉन्च कर दी, जहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 के नीचे आपको सस्ते में सस्ते और अच्छे अच्छे ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 5,000 mAh की बैटरी के साथ तगड़े प्रोसेसर के साथ आपको ये फोन मिलने वाले हैं। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों आपको दोनों में से कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा, अगर आपको एक बजट फोन लेना हो तो कौन सा फोन लेंगे नीचे कमेंट करके बताना। ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेट अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन देखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।